हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल माय यूनिक स्पोर्ट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एप्रो कंपनी के सोलर पीसीयू की। कौन कौन से फीचर एप्रो ने अपने इस नए मॉडल में दिए हैं, आगे वीडियो में आपके साथ पूरी डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर के सेलिन फीचर्स की। स्मार्ट सोलर सिलेक्शन कंपनी ने दिया हुआ है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन सोलर पावर दी हुई है, 50-70 एम्पेयर का PWM इनबिल्ट चार्ज कंट्रोलर कंपनी ने इन्वर्टर में प्रोवाइड कराया हुआ है। मैक्सिमम ग्रिड पावर सेविंग का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। बैटरी चार्जिंग है, लो वोल्ट पे भी दिया हुआ है। अगर आपके गांव में, आपके एरिया में बिजली की सप्लाई कम आती है तो ये इन्वर्टर आपकी बैटरी को 90 वोल्ट से भी चार्ज कर सकता है। और ये इन्वर्टर सोलर पर भी काम करेगा और आपकी ग्रिड पर भी काम करेगा, ये अच्छा फीचर होता है। और इस इन्वर्टर में आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है, जिसके अकॉर्डिंग आप कितने किलोवाट का लोड यूज़ करते हैं वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इसमें आपको मिल जाता है सोलर पीवी रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन। आपकी बैटरी की वोल्टेज रिवर्स सोलर पैनल में ना जाए, उसमें यहाँ पे रिवर्स प्रोटेक्शन का भी यहाँ पे फीचर दिया हुआ है। दोस्तों, हम करने वाले हैं इस एप्रो कंपनी के सोलर इन्वर्टर को माइक्रोटेक के एक नॉर्मल इन्वर्टर के साथ रिप्लेस। एंड फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं इन्वर्टर बैटरी के प्रॉपर कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, तो आप वीडियो में कमेंट करें तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो डिटेल में बना सकता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं इस इन्वर्टर की फर्स्ट लुक। और बड़े आराम से मैंने इस इन्वर्टर को कर लिया अनबॉक्स। तो बॉक्स खोलते ही हमें मिल जाती है यूज़र मैनुअल और कुछ वारंटी कार्ड के पेपर्स जो मुझे संभाल के रखने पड़ेंगे। तो चलिए मैं इनको ओनर को दे देता हूँ और उसके बाद मैं इन्वर्टर को निकालने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, इन्वर्टर तो बॉक्स से निकल नहीं रहा, इसके लिए मुझे कुछ और ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और फाइनली गाइस, इन्वर्टर को मैंने बॉक्स से निकाल लिया है बाहर और ये है इसकी कुछ इस तरह की लुक। इन्वर्टर की फ्रंट साइड पर आपको चार बटन मिल जाते हैं, ऑन ऑफ का, यूपीएस का, पावर सेविंग का, और यहाँ पर एप्रो की ब्रांडिंग हुई है। ऊपर भी यहाँ पर कुछ डिटेल्स वगैरह हमें दी हैं। फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर की जो वारंटी है वो 2 साल की है। अगर आप इस इन्वर्टर को दिए गए नंबर पर रजिस्टर करवा देते हैं तो 6 मंथ्स की वारंटी आप अपनी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर इस इन्वर्टर की कुछ सेटिंग वगैरह बताई हुई है। फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर की जो बॉडी है वो मेटल में है। अगर हम फ्रंट पैनल की बात करें तो ये मुझे प्लास्टिक का लगता है। इन्वर्टर की बैक साइड आपको बैटरी की वायर मिल जाएगी जो कि 10 mm में है। और आपको AC आउटपुट मिल जाती है, फ्यूज़ मिल जाता है इसमें, और ये मेंस की वायर है। ये ब्लैक और रेड जो वायर हैं ये आपके बैटरी से कनेक्ट होंगी जो कि 10 mm में है। यहाँ पर लगानी है आपको अपने सोलर की प्लस और माइनस वाली वायर, आप रेड और ब्लैक से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, बट इसकी जो VOC है वो यहाँ पे लिखी हुई है 22 वोल्टेज। तो आपको 22 वोल्टेज से ज़्यादा इस इन्वर्टर को वोल्टेज नहीं देनी है, अदरवाइज़ आपका ये इन्वर्टर जल सकता है। सोलर पैनल के बैक साइड पैनल की वोल्टेज और VOC रेंज लिखी होती है। और फ्रेंड्स, इस PCU में जो मुझे ड्रॉबैक मिला है वो ये है कि इस इन्वर्टर में कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि आप इस इन्वर्टर के साथ कितने वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। ये ना ही कहीं इन्वर्टर पर लिखा हुआ है और ना ही इसके बॉक्स पर लिखा हुआ है, जिससे एक कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है कि आपको एक्चुअल में कितने वाट के यहाँ पर पैनल लगाने चाहिए। और मैं अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये इन्वर्टर 1100 VA का है, तो आप इसके ऊपर 800 वाट तक के सोलर पैनल लगा लें और 800 वाट के पैनल 200 एम्पीयर की बैटरी आपकी आराम से चार्ज कर पाएंगे। आई होप फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।